हेलो गाइस, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है आंगनवाड़ी भर्ती का जो ने नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है और अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी जो है वो लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो ये न्यूज़ जो है वो कल की है, 9 जून 2021, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जो इन्होंने जो है एक्टिवेट कर दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं इसका जो है पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, फ़ीस कितनी रखी गई है और कितनी वैकेंसी दी गई है आंगनवाड़ी भर्ती के लिए। तो ए टू जेड जो है आपको उसमें जो है सारी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और जो भी बच्चा जो है इस वीडियो को जो देख रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो है वीडियो का जो है मतलब जब भी शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल द्वारा वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और देखते हैं क्या इन्होंने बताया गया है और क्या रखी गई है इन्होंने वैकेंसी। देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2021, ठीक है। तो नीचे चलते हैं फिर और इसमें देख लेते हैं क्या इन्होंने दे रखा है। तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बाल विकास परिषद यूपी से जो है ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। और ये जो वैकेंसी है सहारनपुर आंगनवाड़ी वर्कर मिनी वर्कर हेल्पर के लिए जो है इन्होंने रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस डेट है और कितना टाइम जो है आपको दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, कितना टाइम जो है नहीं दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट की तरफ चलते हैं। तो इसका फॉर्म जो है 8/6/2021 यानी 8 तारीख से जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 8 तारीख से। और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है 23/6/2021 यानी 23 जून 2021। तो अभी भी जो है आपके पास मुश्किल से 15 दिन के आसपास हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म आपको भरना होगा। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 23/6/2021, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, इस एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, जब भी बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी भर्ती की जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले जो है आपको शिक्षा न्यूज़ द्वारा बता दिया जाएगा। तो आपको जब भी पता चल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है बच्चा। तो आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस नील है यानी फ्री है, मतलब आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आती हो। फीमेल जो है इस फॉर्म को जो है फीमेल ही भरेंगे, मेल के लिए नहीं आई है। आंगनवाड़ी भर्ती जो होती है फीमेल ही भरती हैं। तो जो भी बहनें हैं जो इस फॉर्म को इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो है पूरा कंप्लीट देखें, जब भी जो है आपको सारी जानकारी पता चल पाएगी। तो फीस नहीं है इसमें, कोई भी किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। बट अगर आप किसी साइबर कैफे में से भरवाने जाते हो तो आपका जो है 50-60-70 रुपये जो भी वहाँ का चार्ज है वो लिया जाएगा। अगर कोई बोलता है साइबर कैफे वाला इसकी फ़ीस है तो मैं अभी बता दूँ इसमें जो है 0-0-0 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चाहे आप जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी में आती हो आपसे जो है कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं एज की। अभी मैं आपको क्वालिफ़िकेशन भी बताऊंगा, अभी पहले मैं एज बता देता हूं एज कितनी कितनी रखी गई है। तो एज जो है मिनिमम एज जो है 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 21 जो है इसकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो है 45 ईयर तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST हो तो आप 50 ईयर्स तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC में आती हो तो आप जो है इसका फॉर्म 48 ईयर तक भी जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आगे नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ और इसमें मैं बताता हूँ कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर के लिए और मिनी आंगनवाड़ी जो भी इन्होंने वैकेंसी दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो है आपको सिर्फ 10th पास चाहिए होगी, सिर्फ 10वीं पास आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी 10वीं पास ही होगी। अगर आप हेल्पर के लिए अप्लाई करते हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है आपको 5वीं पास चल जाएगा, 5वीं पास होनी चाहिए। इन्होंने 5th एग्ज़ाम पास इन्होंने लिख रखा है। अब मैं अब आपको सीधी सीधी बात यही बता देता हूँ, अगर आप
हेल्पर के लिए अप्लाई करोगे तो पांचवी पास, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर और मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो है 10वीं पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। 23 तारीख तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो गया है 8 तारीख से ही, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताई है, मैंने खुशीनगर के बारे में बताया है, शामली के बारे में बताया है और मुजफ्फरपुर के बारे में बताया है, मुजफ्फरनगर के आसपास के बारे में बताया शायद, हाँ। तो मैं इससे पहले जो है वहाँ की जो है आंगनवाड़ी वर्कर की जो है वैकेंसी चल रही थी, अब सहारनपुर की चल रही है और धीरे धीरे जैसे उत्तर प्रदेश में और भी डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसी आती रहेगी, तो सबसे पहले जो है आपको शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल द्वारा जो है वो जानकारी मिल जाएगी। और आप जो है इस चैनल पर जो है बने रहिए, आपको जो है कंप्लीट जानकारी जो है आपको यहीं पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है और जो भी जो है साथी अभी आए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ठीक है, ताकि आपको जो है वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आप पे आता रहे। और जैसा कि मैंने आपको सारा जो है कंप्लीट बता दिया है, फिर भी जो है किसी बच्चे का या किसी भी बहन का या कोई भी मतलब कोई भी जो है वैसे महिलाएँ इस फॉर्म को भर सकती हैं, तो किसी का भी कुछ भी डाउट है, डाउट रह जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन पे कर दीजिए। और हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल पे को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को पे जो है शिक्षा न्यूज़ डालना, तो आप जो है वहाँ पर भी ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं जो है काफ़ी जो कुछ कुछ जैसे यूट्यूब पर नहीं डालता तो कुछ मैं वहाँ पर भी डालता हूँ, तो उससे जो है आप वहाँ पर भी बने रहिए और यहाँ पर भी बने रहिए, दोनों जगह जो है आप बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, और आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और भी बच्चों पे शेयर कर देना, उनको भी पता चल सके उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट आंगनवाड़ी भर्ती की जो है डेट मतलब जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 21 तारीख तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं और वीडियो के साथ, आप चैनल पे बने रहिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। तो मिलते हैं और वीडियो के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।